ना आज मेरा लास्ट पेपर है, ये इसका स्लीव्स का स्टाइल है, मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया है बिल्कुल। एक ड्रॉप जो है ना वो पूरे फेस पर एक मजे की फ्लॉलेस बेस को बना देता है। यहाँ पे सारे ये क्लासरूम्स हैं। गला मेरा बिल्कुल खराब हो चुका है पता नहीं किस वजह से, लेकिन आवाज थोड़ी बहुत अभी चल रही है। सो जी आज जो है ना आज मेरा लास्ट पेपर है। ये वो हॉल कमरा है जहाँ पे जाके एग्जाम के लिए बैठना है। मैं उसका कंप्लीट व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो अभी जो है ना वो बज रहे हैं सुबह के 12:15 और मैं थोड़ा लेसन वगैरह रिवाइज करके फ्री हो चुकी हूँ। अभी मैं जो है ना चेंज करूंगी। सो गाइस ये ड्रेस है मेरा जो आज मैंने पहन के जाना है, ठीक है। ये देखें ये इसका नेक का स्टाइल है, ऊपर से बेग गला बना हुआ है इसका। ये इसका स्लीव्स का स्टाइल है इस तरह से प्रिंट में, और ये नीचे से मिनी फ्रॉक बना हुआ है। यहाँ साइड पे चुनर्स हैं दोनों साइड पे, और ये यहाँ पे ये रिबन लगे हुए हैं दोनों साइड्स पे बांधने के लिए। सो ये शर्ट जो है ना ये मैंने रेडीमेड ली थी आइडियाज बाय गुल अहमद से। ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, ये देखें आइडियाज बाय गुल अहमद की शर्ट है ये। सो इसको मैंने परचेज किया था 2790 रुपये में। सो आज मैं फर्स्ट टाइम इसे पहनने लगी हूँ, दैट्स व्हाई लेबल लगा हुआ है इसके ऊपर। इसके साथ व्हाइट कलर का टाइट्स और व्हाइट कलर का दुपट्टा लेंगे। सुबह मैंने बाथ ले लिया है, मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया है बिल्कुल। सो अभी जो है ना बज रहे हैं सुबह के 12:15। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या ब्रेकफास्ट करने। सो मैं खाने वाली हूँ जी ब्रेड, एग और साथ टी, ये ही मेरा रेगुलर ब्रेकफास्ट होता है। सो जी ड्रेस तो चेंज कर लिया, अब हल्का फुल्का तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले जी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रही है, तो मैं एवलाइन की एक्स्ट्रा सॉफ्ट क्रीम जो है ना वो पूरे फेस पर बहुत अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, बोला नहीं जा रहा मुझसे। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रही होगी, अगर नहीं आ रही तो एडवांस में माजरा चाहती हूँ। सो जी बेस बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरे पास चेरी ऑइंटमेंट की CC क्रीम है, जिसको मैंने इंस्टाग्राम पे पेज है बाइंड द ट्रेंड्स बाय SS के, वहाँ से आप ऑर्डर पे मंगवा सकते हो। बड़ी ही अच्छी है बिल्कुल, एक ड्रॉप जो है ना वो पूरे फेस पर एक मज़े की फ्लॉलेस बेस जो है वो बना देता है, और बिल्कुल नेचुरल लगती है, पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ लगाया हुआ है। ब्लशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरे पास स्वीट ऑरेंज ब्लशन पैलेट है ऑरेंज कलर में। इसको मैं अपने नोज़ पर और अपने चीक्स पर अप्लाई करूँगी, कंटोरिंग हम नहीं करेंगे बिकॉज हमें बिल्कुल नो मेकअप लुक क्रिएट करना है। मस्कारा मैं बिग लैश मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, और लिपस्टिक मेरे पास गिब्रिनी की न्यूड लिपस्टिक है, जिसका नंबर जो है ना वो आपको ऑन स्क्रीन नज़र आ रहा होगा। इसके साथ मैं प्रॉपर जो है वो लिपस्टिक लगा लूँगी एंड दैट्स इट। ये यहाँ पे जो बाहर ग्राउंड है ना इसका एंट्रेंस पे, ये उसके सामने बिल्कुल यहाँ पे ग्राउंड है, और ये यहाँ पे सामने वो इसमें ये इसकी एंट्रेंस है। यहाँ पे अंदर जाके ना पूरी यूनिवर्सिटी है, मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। तो गाइस ये यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस है, ठीक है। यहाँ से एंटर होके ये सारा यहाँ पे अंदर हॉल है, ये सामने अपर फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर्स हैं, ये इधर से ये क्या बोलते हैं इसको बरामदा टाइप, ये नीचे वाले पोर्शन में जाने के लिए। यहाँ पे सारे ये क्लासरूम्स हैं। सो आपको पता है ओपन यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है ना वो ऑनलाइन होता है सारा, तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस पेपर्स के लिए ही आना पड़ता है। सो बस ये है कि मैं अभी पेपर देने आई हूँ, और फाइनली आज मेरा लास्ट पेपर है, ठीक है। सो आप ये देख लें ये पता नहीं क्या है अब, और ये ऊपर सारे क्लासरूम्स हैं, इसके ऊपर भी एक फ्लोर है, मैं कभी गई नहीं हूँ ऊपर, बट मैं आपको दिखा रही हूँ वो। सो गाइस ये वो हॉल कमरा है जहाँ पे जाके एग्जाम के लिए बैठना है या पेपर देने हैं। सो अंदर तो नहीं लेके जा सकती मोबाइल, बट दूर से दिखा रही हूँ आपको जी। तो गाइस अभी मैं पेपर दे के बाहर आ चुकी हूँ, अभी क्या टाइम हो रहा है, टाइम भी समझ रहे अच्छा अभी टाइम हो रहा है जी 4:30 होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, तो जल्दी पेपर खत्म हो गया क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ तो पेपर दे के मैं आ चुकी हूँ। अब भाई का वेट करते हैं कि वो कब लेने आएगा, क्योंकि उसके 5 बजे का टाइम दिया हुआ और मेरा पेपर जल्दी खत्म हो गया। तो मेरी फ्रेंड बोल रही है कि अब यहीं पे रुको 5 बजे जाना, तो देखते हैं कि कब निकलते हैं वापसी के लिए। गाइस अभी बज रहे हैं जी 6:15 और मैं घर पहुंच चुकी हूं, मतलब घंटा हो गया मुझे पहुंचे हुए, और मैंने खाना शाना खा लिया, सब कुछ हो चुका है। सो बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग, और मैं आज बहुत खुश हूं बिकॉज पेपर खत्म हो गए हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन होती है ना कि पेपर है, तैयारी करनी है, सलून भी मैनेज करना है, वीडियोज़ भी बनानी है, तो मतलब बस अजीब सी सिचुएशन थी। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि पेपर खत्म हो चुके हैं। सो व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।